नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पहली बार बाहुबली मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बोल पड़े हैं। क्या कुछ कहा है, उनके बयान की चर्चा हो रही है, वो मैं पूरी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार विपक्ष के नेता यह सवाल उठाते हैं कि भैया मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर मुख्तार की मौत के बाद से जमकर निशाना साधा था। कई दलों के नेता मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर उनके पैतृक निवास पर भी पहुंचे थे। सियासी हलचल उस वक्त और बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्तार के परिजनों से मिलने उनके पैतृक निवास गाजीपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पहुंचकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा था। सीएम योगी ने विपक्ष के इन आरोपों पर अपनी पहली बार प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि मरना तो था ही उसको, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा है वो कब तक बचा फिरेगा। कांग्रेस के लोग तो उसके साथ थे, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ थी, माफिया के मातम पर उनके घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर कांग्रेस और सपा ने कई संवेदना व्यक्त नहीं की थी, लेकिन माफिया के मरने पर उनके घर जा रहे हैं, यही फर्क है इन लोगों में और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कब हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत? बता दें कि बांदा जेल में करीब 3 साल से बंद रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की शाम को मौत हो गई थी। उसे हालत बिगड़ने पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 29 मार्च को मौत के बाद न्यायिक और मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश भी हुआ था। उसकी मौत के बाद से सियासी हलचल और भी तेज हो गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और पूर्वांचल की सीट पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है। बाकी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को लेकर बयान दिया उस पर अपनी राय बताई। धन्यवाद।